वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 मीटर प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं। तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचिस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचिस। यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 7 इंचिस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 15 इंचिस। और यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमें हमारी लेंथ तक इस तरह से। नेक के ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचिस और बैक पार्ट के लिए लेंथ हमें लेनी है 2 इंचिस और फ्रंट के लिए 2.5 इंचिस। राउंड शेप बनाते हुए फ्रंट और बैक के लिए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को हमें सेपरेट करना है और फिर से इस पार्ट को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमें नेक कट करना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए हमें 2 पीसेस मिल गए हैं। अब यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक से आर्म होल के शेप में इस तरह की स्टेप्स कट की हुई है जिसे हमें आर्म होल पे उल्टा रखना है। इस तरह से दूसरे आर्म होल पे भी हम स्टेप्स को उल्टा रखेंगे और बैक पार्ट के लिए भी हमने स्टेप्स कट की हुई है आर्म होल के शेप में जिसे हम आर्म होल पे इस तरह से उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे नेक के शेप में भी हमने स्टिप्स कट की हुई है जिसे हमें नेक पार्ट पे उल्टा रखना है इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल में, नेक पार्ट में, दूसरे आर्म होल में और इस तरह से बैक पार्ट में भी हमें सिरे लगानी है। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है आर्म होल में और नेक पार्ट में इस तरह से। अब यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से हमें नोचिस लगाने हैं जहाँ भी हमने सिले लगाई है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें नोचिस लगाने हैं इस तरह से। और इस तरह से बैक पार्ट में भी हम नोचिस लगाएंगे। अब यहाँ पे आर्म होल में स्टिप्स को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस फैब्रिक को हमें इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे और यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए हमें सिरे लगानी है। इस तरह से सभी नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए सिरे लगा दी है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में
फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इस तरह से। अब यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक से दो स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 3 इंचेस, जिसे हमें यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे इसे यहाँ पे उल्टा रखना है इस तरह से, और हमें सिला लगानी है। और इस तरह से बैक पार्ट पे भी हम नीचे वाले बॉर्डर पे स्टिप्स को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिला लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से स्टिप्स अटैच कर ली है दोनों पार्ट्स में। अब यहाँ पे स्टिप्स को हमें रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और हमें सिला लगानी है दोनों पार्ट्स में। ये देखिए हमने इस तरह से स्टिप्स अटैच कर ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हमें पॉकेट बनाना है यहाँ पे, इसलिए हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। अब हम मार्किंग करेंगे तो फोल्डेड एरिया से ब्रॉडनेस हमें लेनी है 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 4 इंचेस। अब यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए पॉकेट ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से 2 पीसेस मिल गए हैं पॉकेट के लिए। अब एक पार्ट को दूसरे पे हमें उल्टा रखना है इस तरह से, और यहाँ पे पूरे राउंड में हमें सिले लगानी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिले लगा दी है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से नोटिस लगाएंगे जहाँ भी सिले लगाई है वहाँ पे, और इसे हमें राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से हमने पॉकेट रेडी कर लिया है यहाँ पे इस तरह से, और ये जो ओपन एरिया है इसे हमें क्लोज करना है। तो अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें इस तरह से ऊपर से हमें सिरे लगानी है। तो यहाँ पे हमने पॉकेट रेडी कर लिया है, इसे हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से अरेंज करेंगे, क्रॉस में इस तरह से हमें अरेंज करना है, और ऊपर से हमें पूरे राउंड में इस तरह से सिला लगा के इसे अटैच करना है। देखिए हमने पॉकेट अटैच कर लिया है यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे। अब ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है इसके ऊपर, और दोनों को अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे हम। और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे दोनों शोल्डर में हमें सिले लगानी है, और यहाँ पे 1 इंच की गैप पे हमें सिले लगानी है दोनों तरफ से, और इसे फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से सिले लगा के इस राइट साइड पे टर्न किया है। तो इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।